दोस्तों नेक्स्ट जेनरेशन ऑल्टो जो इंडियन मार्केट में 18 तारीख को लॉन्च होने वाली है उसको लेकर एक लीक न्यूज सामने आई है। इस लीक न्यूज में बताया गया है कार की लेंथ क्या होगी, कार की इंजन ऑप्शन क्या होगी और वेरिएंट क्या होगी। तो अगर इस लीक की माने तो अपकमिंग जो ऑल्टो इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी वो ऑल्टो K10 मॉडल होगी। मतलब अगर इस लीक को 100% हम लोग सही ठहराते हैं तो करेंट जेनरेशन जो ऑल्टो है 800cc वाली वो जैसी है वैसी ही रहेगी। आपको एक नई कार देखने को मिलेगी जो ऑल्टो K10 नाम से लॉन्च होने वाली है। लेंथ, बिर्थ, हाइट, व्हील बेस और टायर साइज, मतलब डायमेंशंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है इस नई ऑल्टो K10 की डायमेंशन। इसके साथ साथ कार्ब वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इस कार में आपको देखने को मिलेगी नई वाली 1 लीटर K10C डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर वाली जो 66 BHP और 89 Nm टॉर्क पैदा करता है विथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन जिसको कंपनी AGS कहकर बुलाती है। अब वेरिएंट की बात करें तो इस कार में आपको देखने को मिलेगी मैनुअल ट्रांसमिशन में स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑप्शनल, LXI और LXI ऑप्शनल, VXI और VXI ऑप्शनल और VXI प्लस और VXI प्लस ऑप्शनल। ये होगी मैनुअल ट्रांसमिशन, जबकि AMT ट्रांसमिशन होगी ऊपर वाले दो मॉडल में जैसे कि VXI एंड VXI ऑप्शनल AGS और VXI प्लस और VXI प्लस ऑप्शनल AGS। तो कैसी लगी आपको ये लीक न्यूज? अगर हम इस लीक न्यूज की माने तो मारुति ऑल्टो 800 और मारुति ऑल्टो K10 दोनों ही सेपरेट कारें होंगी। अगर प्राइसिंग की बात करें, अंदाजा लगाए तो जो करेंट जेनरेशन ऑल्टो है इसको और जो नई नवेली मारुति एक्सप्रेसो अपडेटेड मारुति एक्सप्रेसो लॉन्च हुई है, दोनों ही गाड़ियों के बीच में नई वाली नेक्स्ट जेनरेशन मारुति ऑल्टो K10 लॉन्च होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।